subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना फिर से मुंह जोर हो गया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अमवात हो गई। एक ही दिन में 2118 नए मरीज रजिस्टर्ड कर लिए गए। वजीर आजम ने सानहे मच के मुतासरीन से मिलने के लिए कोयटा जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने दरख्वास्त की है कि शहदा की तदफीन की जाए ताकि उनकी रूहों को सुकून मिल सके। बलोचिस्तान गैर महफूज है, दहशतगर्दी खत्म करने के दावेदार कहाँ हैं? फजल रहमान कहते हैं इस जाली असम्बली को मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे। मुल्क में बकरी चोर जेल जाता है और बड़ी करप्शन वाले आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं होगा तो इदारे के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम नैब से मुतमईन नहीं हैं। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला ग्रीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना वायरस से 52 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,461 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,92,594 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,42,058, सिंध में 2,20,501, खैबर पख्तूनख्वा में 59,955, बलोचिस्तान में 18,280, गिलगित बल्तिस्तान में 4,873, इस्लामाबाद में 38,531, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,396 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 69,23,857 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,917 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,48,393 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,243 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 52 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,461 हो गई। पंजाब में 4,184, सिंध में 3,634, खैबर पख्तूनख्वा में 1,695, इस्लामाबाद में 432, बलोचिस्तान में 186, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 229 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके मुतालबात का एहसास है। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दे रहा है, ताहम मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ियात के तदारुक के लिए बरसरे पेकार हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि दरख्वास्त है शहदा की तदफीन की जाए, शहदा के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, कभी भी आवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। दूसरी जानिब सानहा मच के वर्सा का कोयटा में मगरबी बाईपास पर चौथे रोज़ भी धरना जारी है। लवाकीन ने वज़ीर आज़म के आने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मुआवन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी वज़ीर आज़म की हिदायत पर रात गए कोयटा पहुँचे, जहाँ उन्होंने मगरबी बाईपास पर धरना देने वालों के साथ मुज़ाकरात किए। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान कोयटा में हज़ारा टाउन इमाम बारगाह वली असर पहुँचे, जहां अली ज़ैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ज़रूर आएंगे, ताहम दरख्वास्त है तदफीन से मशरूत न करें।
उधर सानहा मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत المسلمین की जानिब से नुमाइश चौरंगी पर शमे रोशन की गई, जिसमें मुतादिद उलमाए कराम ने शिरकत की। बाद अज़ां शुरका ने नुमाइश चौरंगी रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था, हम हज़ारा बरादरी के साथ हैं और जब तक क्वेटा मुजाहरीन के मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नेशनल डायलॉग किस से करे, जाली हुक्मरानों से बात नहीं करेंगे। पीडीएम में कोई इख्तलाफात नहीं, हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बन्नू में पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस जाली असेंबली को वक्त पूरा नहीं करने देंगे। अवामी मैंडेट को पसे पुश डालकर मौजूदा असेंबलियां वजूद में लाई गईं। वजीर आजम ने पसपाई का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। मुल्तान और लाहौर में पीडीएम के जलसों और रैलियो में रुकावटें खड़ी की गयी। मुकामी मीडिया को जबरदस्ती गलत रिपोर्टिंग कराई गई, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बलूचिस्तान के इलाके मच में बर्बरियत की अजीबोगरीब दास्तान रकम की गई। दहशतगर्दी को खत्म करने वाले दावेदार कहाँ हैं? कबायली इलाके और बलूचिस्तान गैर महफूज हैं। बन्नू जलसे में क्वेटा में जुल्म बर्बरियत और उस पर हुकूमत की गैर संजीदगी पर लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्कैंडल के असल मुलजिम पर नैब ने हाथ नहीं डाला। नैब को मर्जी करनी है तो सेक्शन 9 में तरमीम करे, फिर जो मर्जी करे। नैब को काम से कौन रोकता है, हमें बताएं ताकि उसे पकड़ें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली अकाउंट्स के मुलजिम डॉक्टर डिंशा और जमील बलोच से मुतालिक केस की समाज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि डॉक्टर डिंशा की जमानत की मुखालफत नहीं करते, लेकिन सरकारी अफसरान की जमानत की मुखालफत करेंगे। जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि नैब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाए। नैब छोटे अफसरान को पकड़ लेता है और असल फायदा लेने वाले को नहीं पकड़ता। नैब के पास अपनी मर्जी से काम करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाना है या नहीं। मुल्क में बकरी चोर 5 साल जेल चला जाता है, जबकि इतनी बड़ी करप्शन करने वाले आजाद घूम रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नैब अपनी मर्जी नहीं करता। मुलजिम को पकड़कर 24 घंटों में एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाता है। जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि नैब को मजबूत देखना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझ पर मेहरबानी की तो मैं उस पर मेहरबानी करूँ। नैब को बहादुरी और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर डिंशा की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि डॉक्टर डिंशा मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वो नैब के साथ तफ्तीश में ताउन करेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।